जय सियाराम दोस्तों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने इसके लास्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वो पार्ट आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन में देखने को मिलेगी। तो तब तक आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, लास्ट में ही आपको मिल जाएगा। और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में बता सकते हो, या फिर आगे इसका आने वाला जो भी पार्ट होगा वो भी इंड स्क्रीन में ही मिल जाएगी। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, लास्ट तक बने रहो। और कोई भी सवाल है जिस तरह से मैं कर रहा हूँ लेयर बाय लेयर, उस हिसाब से आपको भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। और उसके बाद जो आर्ट कमेंशन में ये रेफरेंस फोटो शायद दिया गया होगा, तो उस आर्ट कमेंशन वाले वीडियो को भी देखो जल्दी, और पार्टिसिपेट करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो देखते जाओ मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है पहले जो है ज़्यादातर जो है ऑयल अप्लाई करके ड्रॉ करता था, पर इस बार जो है ऑयल बिना अप्लाई करे कोशिश कर रहा हूँ ड्रॉ करने की। तो यहाँ पे जो मैंने कुछ लेयर ज़्यादा कर दिया, जैसे यहाँ पे मैंने जो है कलर पेंसिल अप्लाई किया था स्टार्टिंग में, और अभी भी कर ही रहा हूँ। पर इसमें आपके पास ऑयल पेस्टल कलर है तो ऑयल पेस्टल कलर से करोगे तो इतना ज़्यादा लेयरिंग नहीं करना होगा, करने की ज़रूरत भी नहीं होगा। तो आप जो ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर अप्लाई कर रहा हूँ मैं कलर पेंसिल, तो इसके जगह आप लाइट ब्लू कलर ऑयल पेस्टल कलर का भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो, अब तो कर ही दिया है, अब क्या कर सकते हैं। बहुत दिन पहले मैंने यहाँ तक आर्ट जो है ड्रॉ कर लिया था, पर बीच में जो है हनुमान जयंती रामनवमी आया तो उसकी वजह से जो है वही सब आर्ट ड्रॉ किया, और इसको जो है ऐसा पोज करके रख दिया, और अभी फिर से इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो उससे पहले मैंने जो है ऑयल अप्लाई करके ही कर रहा था ज़्यादातर मैंने किया था, तो बिना ऑयल अप्लाई करके कैसे किया जाता है उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लेयर कर दिया। तो आप जैसे जहाँ पे जो भी पार्ट है आपको ऑब्जर्व करना होगा लेयर बाय स्टेप बाय स्टेप, किस हिसाब से आपको ड्रॉ करने से जैसे रेफरेंस फोटो में दिख रहा है वैसा लगभग हो पाए। तो इसी हिसाब से ड्रॉ करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ, और क्रॉस सेटिंग नहीं करना है, मीडियम प्रेशर से करना है। फर्स्ट लेयर में ज़्यादा टाइम लगता है, और उसके बाद जब नेक्स्ट लेयर करोगे तो उतना टाइम नहीं लगता है। फर्स्ट लेयर में आपको जो है लाइटली भी आपको सेटिंग करना होगा जो भी कलर आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा ही प्रेशर फर्स्ट लेयर में कर दोगे तो उसके बाद नेक्स्ट लेयर अप्लाई करने में काफ़ी दिक्कत होगी, वो अप्लाई एड नहीं हो पाता है, मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको फर्स्ट लेयर में जो है लाइटली सेटिंग करना है। तो यहाँ पे पेंसिल को पहले शार्प कर लेना है, उसके बाद ही इस टाइप के जो है सेटिंग करना है, जैसे एक एक जैसे मयूर का पंख एक एक को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पेंसिल जो है आपका शार्प होना चाहिए, और मीडियम ब्रश आपको करना है, ओपन सेटिंग टाइप से सेटिंग करना है। और ये जो सेटिंग मैंने कहा ओपन सेटिंग क्लोज ओपन, इन सब के बारे में मैं जो है जब हमारे चैनल मोनेटाइज हो जाए या फिर एक मेंबरशिप ऑप्शन आ जाए तो वहाँ पे मैं जो है ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पे जो लोग भी चाहते हैं कि हम भी आर्ट कॉमर्स सॉरी हम भी ड्राइंग क्लास करना ड्राइंग सीखना चाहते हैं, जैसे हमारे पास कोई टीचर नहीं है, क्या कई लोग जो है मेरे जरिए सीखना चाहते हैं, तो क्या करूँगा मैं वहाँ पे जब ज्वाइन बटन आ जाए तो उसके ऊपर मैं वहाँ पे ही जो है बिगिनर्स लेवल से बेसिक टू एडवांस लेवल तक जो है वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि बिगिनर्स भी आसानी से ड्राइंग सीख सके। बेसिक्स आइडिया जो वीडियो में बताना संभव नहीं, जैसे कि इस टाइम के वीडियो में तो यहाँ पे तो सभी लोग सभी टाइप के लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल भी होते हैं और बिगिनर्स भी होते हैं, तो सभी को मैनेज करके ही वीडियो अपलोड करना होता है ताकि सभी लोग वीडियो में बने रहे। पर जो वहाँ पे होगा तो वहाँ पे कुछ फीस लिया जाएगा, जैसे बाकी नॉर्मल जो हम ड्राइंग क्लास करते हैं उसके मुकाबले तो काफ़ी कम, लगभग जो है कह लो 10 गुना कम ही होगा। तो वो भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा, मुझे तो लगता है आ ही जाएगा, तो आप लोगों के बस सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि वॉच टाइम की काफ़ी जो है कमी हो जाती है, कि इधर जो है एक साल के अंदर जो है 4K वॉच टाइम, मतलब 4000 वॉच टाइम चाहिए घंटे का, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, उसमें से सिर्फ 2500 ही लगभग कंप्लीट हुआ है अभी तक।
क्योंकि अभी तक तो हो ही जाता, क्योंकि इधर जो है इधर 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है इतना, और पीछे से जो है बाकी माइनस हो जाता है। तो इधर आगे इधर तो बढ़ता जाता है, पीछे से माइनस होता जाता है, तो कैसे ऐसा होगा। तो इसलिए अगर कोई वीडियो वायरल हो जाए तो वहां से वॉच टाइम मिल जाएगा, तब तो चैनल हमारा मोनेटाइज तो हो ही जाएगा। या फिर ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो देखो लास्ट तक, तो वॉच टाइम आएगा, तब हम वो भी ऑप्शन लाएंगे और हम भी सीखेंगे आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो बेसिकली हमारा ये ड्राइंग चैनल है, तो यहाँ पे मैं ज्यादातर आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही आर्टवर्क देखने को मिलते हैं। और मैंने चैनल भी नाम ऐसा ही रखा है, पहले तो चैनल नाम खुद के नाम पे रखा था, जैसे कि मैंने बायोलॉजिकल नेम, जो जो भी फिजिकल नेम है मेरा, बायोलॉजिकल नेम है, उस नेम पे। ऊपर जब 500 सब्सक्राइबर हुआ उसके बाद मैंने नेम इस चैनल का चेंज कर दिया। पहले स्पिरिचुअलिटी में मैं भी नहीं था, बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड में ही ज़्यादातर था, और अब भी वैसे ही हूँ, डिफरेंस है। पहले जानता नहीं था हमारे हिंदू सनातन धर्म को, और अभी जो भी थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ तो इसलिए जुड़ा हूँ स्पिरिचुअलिटी से। तो यहाँ पे काफी सारे सवाल होते, पहले तो इन सब इंटरेस्ट ही नहीं था ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ए स्पिरिचुअलिटी में। तो जब से सत्संग से जुड़ा, सबसे सबके लाइफ में जो है चेंज तो होता ही है। जो लोग स्पिरिचुअली से जुड़े हैं, पहले नहीं जुड़े थे, उन लोगों को समझ में आ जाएगा, और जो लोग नहीं जुड़े हैं उन लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो उन लोगों के बारे में जैसे कि लोग सवाल करते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग, मैंने एक कॉमन सवाल जैसे राम मंदिर बनाया गया था, कई सारे बड़े बड़े जब मंदिर बनाया जाता है तो लोगों का कहना होता है इससे तो अच्छा इधर मंदिर इतना मतलब इतना बड़ा मंदिर बना दिया, इससे कितना लाखों करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च हुआ है, इससे अच्छा अगर आप हॉस्पिटल बना देते या फिर स्कूल बना देते तो बच्चे के लिए अच्छा होता, कितने लोग पढ़ते, तो इससे क्या फायदा, इससे क्या फायदा हुआ। तो यहाँ पे देखो, जो छोटे छोटे मंदिर के बारे में नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े मंदिर है उसमें सिर्फ मंदिर ही नहीं, हमारे हिंदू धर्म में पुराने जमाने से लेकर अब तक जो भी बड़े बड़े मंदिर है, सिर्फ उसमें मंदिर ही नहीं, वहाँ पे जो है जैसे कि राम मंदिर, ये काफी बड़ा जो है एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो यहाँ पे काफी सारे देश विदेश से लोग आएंगे, तो इससे क्या होगा, लोग तो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो कितने सारे पैसे जो बाहर जाने वाला था भारत में ही रहेगा, और लोग तो टूरिस्ट तो आएंगे ही, तो यहाँ पे ये पैसा कहाँ जाएगा, भारत में ही तो रहेगा। और बाकी लोग जैसे कि बहुत सारे मेटेरियल प्रोडक्ट है चाइनीज, उन सब के बारे में ज़्यादातर लोगों को दिखता नहीं है कि वो तो हम पे खरीद लेते हैं पैसे बाहर विदेश गए। और जो मंदिर के बारे में कह रहा हूँ, तो बड़े बड़े मंदिर वहाँ पे गुरुकुल भी होता है, जैसे कि स्कूल, वहाँ पे भी बच्चों को फ्री भोजन भी दिया जाता है, मतलब खाना दिया जाता है। उसके बाद गुरुकुल में तो यही गुरुकुल शिक्षा, जिसको तोड़ कर मैकले आकर जो है गुरुकुल को हटा, गुरुकुल में से गुरु को हटा के यीशु लगा दिया, यीशु मतलब ईसाई, वही यीशु यीशु कहते कहते बाद में जो है यीशु हो गया यीशु कुल, उसके बाद धीरे धीरे यीशु कुल होते होते वो स्कूल हो गया। यही स्कूल का जो है स्टोरी, जो मैकले ने चेंज किया था, और गुरुकुल परंपरा आज भी है, और बड़े बड़े मंदिरों में ये सब परंपरा है, और काफ़ी सारे ऐसे मंदिर है जो बड़े बड़े जहाँ पे बच्चे लोग पढ़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। राम मंदिर में भी बहुत सारे सिर्फ स्कूल आसपास बहुत सारे टूरिस्ट है, यहाँ पे तो बड़े बड़े मंदिर फायदा ही फायदा है, जैसे बहुत सारे लोग आएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, जैसे कि आसपास लोग घूमेंगे कहाँ पे जाना है तो लोग घुमाएंगे, और होटल वालों के लिए वो भी इनकम तो है ही, हर तरफ से यहाँ पे जो है फायदा ही फायदा है। तो यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर में जो एक एक सुविधा, सबसे पहले बता दो, जैसे बड़े मंदिर में जैसे कई सारे लोग बेकार बैठे हैं तो उन लोगों को काम मिल जाएगा वहाँ पे, उसके बाद आसपास तो है ही, जो उन लोगों के भी काफी रोजगार मिल जाएगा। और आजकल देश विदेश से भी ऐसे बड़े बड़े मंदिर तीर्थ स्थलों में आते हैं टूरिस्ट भी,
तो उनसे भी तो अर्निंग होगा ही, और वहाँ पे जो मंदिर में जो लोग दान करेंगे उससे, उस पैसे से काफी सारे मंदिर का काम तो होगा ही, बच्चे को गुरुकुल में फ्री शिक्षा, उसके बाद भोजन भंडारा ये सब भी होता ही है, और ज्यादा से ज्यादा पैसा धन आए तो उससे और सारे जो है सामाजिक कार्य भी किया जा सकता है। वहाँ पे कैंप भी लगाते हैं लोग, जो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है लोगों का, काफी सारे ऐसे मेरे नजर में भी है। और यहाँ पे लोगों को लगता है कोई यहाँ पे एक ही नेता जो है इतने पैसे नहीं देते, हर एक लोग भारत में जितने भी आस्थिक धार्मिक लोग हैं वो एक एक रुपए दान कर करके ही ऐसे बड़े बड़े मंदिर होता है, न कि किसी एक व्यक्ति से। तो कोई दान करे तो इसमें आपकी क्या दिक्कत है आपका? अगर आपको देना नहीं है तो आप चुप रहो, और देना है तो दो। तो जो भी मैंने कुछ कहा उसमें से कुछ छूट गया है कहने में तो मुझे माफ करना, और अगर कुछ गलती हो गया तो भी माफ करना। और आपका क्या राय है जो मैंने कहा, अगर आप एग्री हो डिसएग्री हो ये भी आप शेयर कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो अपना राय। और कुछ लोग का यहाँ ये भी कहना है हिंदू धर्म के लोग काफी मूर्ख टाइप के बेवकूफ होते हैं, जैसे कि आग में घी डालते हैं बेकार, जो इतने महंगा है फिर भी उन लोगों को पता नहीं है कि घी, एक तोला घी या फिर एक चम्मच घी अगर जलाया जाए तो उसमें 1 टन ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। तो उनको बता दो कोई कि, और यही बात आज से हजारों लाखों साल पहले जो ऋषि मुनि हमारे भारत के हिंदू सनातन धर्म के थे उन लोगों को पता था, तो वो लोग घी का ही हवन करते थे और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ती है। और भी लोग जो है हिंदू धर्म के लोगों को गाली देते हैं, मूर्ख कहते हैं इसको लेकर कि लो हिंदू धर्म के लोग पेड़ मतलब ट्री, एक कहते हैं पेड़ पेड़ और एक कहते हैं पेड़, कौन सा पेड़ सही है आप बताना, पर पेड़ जो मैं कह रहा हूँ ट्री। तो हिंदू धर्म के लोग पेड़ का भी पूजन करते हैं, जैसे कि पीपल के पेड़। तो लोगों को लगता है ये मूर्ख लोग ही है जो पेड़ की पूजा कौन करता है भाई, तो इसका भी पूरा साइंस है। जैसे पीपल के पेड़, हम पीपल के पेड़ में क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में रात को भी ये पेड़ ऑक्सीजन हमें देते हैं, ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं। तो हिंदू धर्म के लोग ज्यादा से ज्यादा लोग कृतज्ञ रहते हैं, जैसे कि वो पेड़ कोई भी पेड़ ले लो जब हरा भरा हो रहता है तो हमें छाह देती है, उसके बाद सूखने के बाद भी वो जलाने में या लकड़ी के काम आती है, और हरा भरा जब फल होता है तो भी हमें खाने को देती है, इतना सब देती है, क्यों ना हम उनकी थोड़ा सा सेवा ही कर लें, और एक तो जो है ऑक्सीजन भी देती है। तो इसलिए भी हम हिंदू धर्म के लोग पेड़ का भी पूजा करते हैं, कई लोगों को पता नहीं पर यही सत्यता है जो ऋषि मुनि आज से हजारों लाखों साल पहले करते थे और आज भी लोग कुछ करते हैं। तो लोग जो लोग जिन लोगों को पता नहीं वही लोग ऐसे लोग बेकार कर बातें करते हैं, वही लोग ऐसे वही लोग होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि हिंदू धर्म के जो डीप साइंस है कुछ उसका मैंने बेसिक्स आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो इस टाइम पीरियड को जरूर ऐड करना, और इस तरह से जैसे मैं एच बी पेंसिल जिस हिसाब से मीडियम प्रेशर से डार्क कहीं के जगह पे डार्क ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई कर रहा हूँ और कहीं के जगह पे लाइटली भी शेडिंग कर रहा हूँ। तो आपको देखना होगा कहाँ पे किस हिसाब से ड्रॉ करने से कितना डार्क होता है, अगर डार्क एरिया है तो वहाँ पे आप ज़्यादा प्रेशर से ही आप शेडिंग करो, लाइट एरिया तो लाइटली आप शेडिंग करोगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ तक देख रहे हो तो इस टाइम पीरियड को जरूर ऐड करना है, और कोई भी सवाल है तो कमेंट में बता सकते हो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी वेट करना, नेक्स्ट पार्ट ही बहुत जल्दी आएगी। और तो देखते जाओ यहाँ पे मैं जो है वाइट जली रोल पेन 08 नंबर वाला ये यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका भी मैं रिव्यू वीडियो बताऊंगा जिससे कैसे यूज करना चाहिए प्रॉपरली, तो कई सारे लोगों को पता नहीं, मुझे पता नहीं था। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप सभी को जय सियाराम।